तो आज मैं अपने व्लॉग के अंदर कुछ प्रिडिक्शंस करना चाहता हूँ। आज तारीख 16 है तो मेरी प्रिडिक्शन है कि कल 17 होगी, और इससे ज़्यादा अहम एक और प्रिडिक्शन कि अगर आज मंगल है तो कल, मेरी ये प्रिडिक्शन है कि कल बुध होगा। यार ये मेरा यूनिवर्सिटी फ्रेंड है और ये मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, ये सारे व्लॉग ऐसे बना रहा होता है, तो इसने मुझे क्लिप भेजा वैसे ही, तो मैंने कहा मैंने लाजमी ऐड करना है। अच्छा, दिस वीडियो इज अबाउट माई टीचर्स रिएक्शन ऑन माई वीडियो। अच्छा, तो मेरे कुछ टीचर्स ने एक रिएक्शन दिया मेरी वीडियोस देखने के बाद। ओके, अच्छा सबसे पहले ना, जब मैंने शादी वाला ब्लॉग अपलोड किया नवंबर में आई थिंक, और 12 को यूनिवर्सिटी लगी, तो जब मैं यूनिवर्सिटी गया ना, तो टीचर्स ने पेपर चेक करवाने थे, मतलब जो हमने मिड्स में जो चवले मारी थी। अच्छा, तो सर मुबशर ने मेरे पेपर चेक करवाए जो मैं पाक स्टडीज पढ़ाते हैं थे। सर मुबशर बहुत अच्छे टीचर हैं यार, सच में बहुत अच्छे टीचर हैं। अगर आप बीएस इंग्लिश में, तो अगर आपको वो मिलते हैं तो आपको पता लग जाएगा वो कितने अच्छे टीचर हैं। अच्छा, सर मुबशर पेपर मुझे दिया तो कहते हैं कि तुम्हारे तुम सी आर हो। मैं कहे हाँ, तुम्हारा पेपर इतना खास नहीं था, तुम व्लॉग बनाते हो ना, तुम पढ़ते नहीं हो। मैं सर आपने मेरा व्लॉग देखा है? हाँ, वो शादी वाला देखा है। तो बाद में मुझे पता चला कि सर ने मेरे स्टेटस के थ्रू वो देखा है। अच्छा, जो सेकंड रिएक्शन है वो है सर हजरत उमर का, जो हमें लैंग्वेज पढ़ा रहे थे। हाँ, तो उनकी क्लास हो रही थी और प्रेजेंटेशन हो रही थी, और आई वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम एंड ही सेड टू मी, साइरस आई वॉच योर वीडियो। मैं सर कौन सी? वो जिसमें आपने कंबल पहना हुआ था। मैं कहते सर कंबल? कहते हैं वो जिसमें आपने चादर पहनी हुई थी। मैं सर चादर? वो कहते इसमें आप रैगिंग के बारे में टिप्स दे रहे थे, तो फिर मैंने दिखाई वीडियो के सर ये वाली? वो कहते हैं हाँ ये वाली थी। तो ये था दूसरा रिएक्शन, और तीसरा सर ज़्यादा फनी है, मैंने बताया भी था ब्लॉग में। अच्छा, ये हुआ ना कि पेपर फाइनल होने वाले थे और उससे एक पहले, हाँ, तो हमारी लिटरेचर स्टडीज़ का वाइवा दिया था मैम ने, कि मतलब पोएम्स थी और पोएम्स की क्या कहते हैं राइटर्स के नाम और थीम और पोएम्स की लाइन्स कौन सी फेवरेट वगैरह, इस तरह से कुछ था। वाइवा होना था आई थिंक 27 दिसंबर को, तो वाइवा था और सब वाइवे की तैयारी कर रहे और सब ने अपने अपने प्रिंट आउट निकलवाए हुए जो वाइवे के लिए उन्होंने प्रिपरेशन की थी। तो सब मतलब कॉरिडोर में घूम रहे कि हमें नहीं आता, हमें नहीं आता, हमें आता है या नहीं आता, इस तरह से। ठीक है, मैम बुला रही थी कि रोल नंबर वाइज आते जाएं। मैं अपने मतलब धुन में गया कि मैं वो लाइंस पढ़ रहा था एक राइटर की, पता नहीं कौन सा राइटर था, यू हैव नो क्लू एंड यू हैव नो आइडिया हाउ मच आई थिंक अबाउट यू। मैं वो सोच रहा और मैं जब गया ना मैम के पास, मतलब ये सोचते कि मैम पूछेगी वाइवे के बारे में, था तो मैं आ गई मैम के पास, गया था मैम कहती हैं साइरस आई वॉच योर व्लॉग। मैम विच वन? द इंट्रोडक्शन व्लॉग। फिर मुझे मैम कहती हैं साइरस व्हाट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द व्लॉगिंग, व्हाई यू डू दैट। उसके बाद क्या कहती हैं, हाँ कि वाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस। मैं किसी वो बता रहा वाइवे की बात के कहाँ गई बताई इतने ब्लॉगिंग की बात हो रही। मैम मुझसे पूछती मैं कहा मैम इट मेक्स यू कॉन्फिडेंट, और इस तरह की मैं उसी बातें कही थी मैम को कि आप ओवरकम कर सकते हैं अपनी कॉम्प्लेक्सेस से। हाँ, तो ये था रिएक्शन, और ये मोस्ट फनी था। फनी क्यों था? क्योंकि मैं वाइवे की तैयारी के लिए वाइवे का सोची क्या मैम वाइवा पूछेंगे कि पोइम्स नो ये नो या कुछ, मैम आगे से ब्लॉगिंग मुझसे ना हार्डली कोई 3 क्वेश्चन पूछे थे छोटे छोटे से, बाकी से मैम क्वेश्चन पूछ रही बाकी डर आगे। मैं इधर मैम कहती है वाई वाई का व्लॉग बनाना, फिर मैम मैम की डिमांड पे वो व्लॉग अपलोड किया बना के, और मैम को सेंड भी किया, मैम ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया। तो ये थे 3 रिएक्शंस मेरे टीचर्स के, और ये नहीं है कि मैंने वीडियो शेयर की थी किसी को या कुछ, वो उन्होंने खुद ही मतलब ढूंढी जैसे उन्हें मिली। ये थे कुछ रिएक्शंस और तीनों ही फनी थे। कॉम्प्लीमेंट है यार, कॉम्प्लीमेंट है। यही है कि मैंने कोई मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पे मेरे वो बात आई हो या नहीं, कुछ वो व्लॉग्स पे थे जो कॉम्प्लीमेंट्स थे मेरे लिए, कॉम्प्लीमेंट थे यार। तो ये थे कुछ रिएक्शंस, और आज मैं वहाँ पे शूट कर रहा हूँ, छत पे कर रहा हूँ, और ये बहुत वियर्ड जगह है, तुम लोगों को दिखा दो, तुम लोगों को बड़ी हंसी है। अब मेरे पास ट्राईपॉड जो है वो बहुत फजूल सा है, टूटा फूटा, उससे गुजारा कर रहा हूँ, और मेरे पास वैसे नहीं है कि मैं उससे वो बड़ा क्या बोलते हैं उससे वो वाला रिंग लाइट वाला लूँ। तो हाँ, ये थी वीडियो, और आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।